जूम कर लो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खूब अच्छे से अपने कामों में मशगूल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सर्दियों में पॉलीथीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं और हम कैसे फ्रॉस्ट से चीज़ों को बचाने के लिए पॉलीथीन किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विंटर्स की वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि चिलीज़ होगी और ऐसी सर्दियों में या लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उन्हें ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, वो हम पॉलीथीन के इस्तेमाल से हम उन्हें दे सकते हैं। तो चिलीज़, टमाटर या ऐसी वेजिटेबल्स जो हम समर्स में लगाते हैं, तो हम उन्हें सर्दियों में नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि वो सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हम उन्हें ग्रो करने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लेट हो जाती हैं वेजिटेबल्स ग्रो करने में, तो आप कोई भी सीडिंग लगा के उसके ऊपर पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पास फ्यू ही डेज में विंटर्स के अंदर आपके पास समर्स की वेजिटेबल्स की सीडिंग तैयार हो जाएगी। फिर जो फ्लावर्स नर्सरी पर आ जाते हैं, वो मैं वो भी बताने वाला हूँ कि उनके ऊपर पॉलीथीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपने अक्सर नर्सरी में देखा होगा कि जो विंटर फ्लावर्स हैं, जैसे पटूनिया हो गया, मसमरिंग और ऐसी सारी काफ़ी सारी पनीरीज और फ्लावरिंग और फ्लावर्स नर्सरी में पहले आ जाती हैं। वो यही वजह होते हैं कि वो जब वो ग्रो करते हैं तो उनके ऊपर वो पॉलीथीन चढ़ा देते हैं, जिससे जो वो फ्लावर्स हैं वो समर से पहले या मार्च से पहले, जब बाहर का आगाज़ हो। जैसे कि आप देखा कि हमने अपनी जो क्रॉप्स हैं पॉलीथीन के अंदर लगाई हैं और ये यहाँ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ग्रोथ भी कर रही हैं, और ये काफ़ी जो हमने क्रॉप्स लगाई है, ये उम्मीद है बहुत जल्द ही फ्लावरिंग पर आ जाएंगी, और जो फ्लावरिंग और सीडलिंग, इसके अलावा जो फ्रूटिंग हमें मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिलेगी। अगर आपने और ज़्यादा इसमें अपनी फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग को भी बढ़ाना है, तो आप इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये चिलीज लगी हुई हैं, ये अब यहाँ सर्वाइव करने लगे हैं, और जैसे ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आएंगी तो इसकी अपडेट भी मैं शेयर कर दूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम यहाँ जो बड़े पैमाने पर चिली जब कोई भी क्रॉप लगाते हैं, तो उसके अंदर हम एक तो उसे पॉलीथीन के अंदर लगाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी रहे और बहुत जल्द ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आ जाए। इसके अलावा हम इसके अंदर एक ब्लैक शॉपर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ काफ़ी सारा जो रॉज लगी हुई है उसके अंदर एक पॉलीथीन लगा हुआ है, जो तीनों चारों क्यारों के साइड साइड पे जो चिलीज हमने लगाई हैं वो उसी चिलीज के ऊपर ये शॉपर चढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ जो ये पॉलीथीन है ब्लैक कलर में, हम यहाँ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसके अंदर जो वीड्स हैं वो भी हम कंट्रोल कर सकें, और जो हम जो क्रॉप्स लगाते हैं इसके अंदर उसको भी हम अच्छे से ट्रीट कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने क्रॉप्स लगाई हैं वो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वीड्स हैं उसका कंट्रोल भी काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से हो रहा है। ये वजह है कि जो ये पॉलीथीन है ये वीड्स को भी नीचे से निकलने नहीं देता, क्योंकि इस पॉलीथीन की वजह से नीचे ज़मीन तक ना ही अगर नमी होती है तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती, जिससे वो उस वीड का सीड है वो ग्रीन नहीं हो सकता। अगर ग्रो होता भी है तो बगैर सूर्य की रोशनी मिले वो नीचे ही गलना सड़ना शुरू हो जाता है और नीचे ही मर जाता है। तो जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलीथीन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हम सर्दियों में पॉलीथीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जनाब, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो कर लीजिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें।